हेलो बच्चों, कैसे हो? एसी देखा? देखा नहीं देखा? एसी के वो क्वेश्चंस प्लीज देख लेना बच्चों। और आपको जो मैंने पूरी वीडियोस बना के भेजी हैं, दो पार्ट्स में आपको पूरा एसी कवर हो जाएगा। बोर्ड के बच्चों के लिए तो वो सुभान अल्लाह है, सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल मस्त रामबाण की तरह वो एक्ट करेगा। इतना देख लेना, पूरा अच्छे से देख के समझ लेना। जो ना समझे उसमें पॉइंट, प्लीज डू आस्क मी, रियली बता रहा हूं। चलो खैर, अभी मैं वापस आ जाता हूं थर्मो पे, क्योंकि जो बीच में मैंने रास्ते गाड़ी रोकी थी थोड़ी, ठीक है। तो थर्मो में आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जो कि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री वाला। अभी मैं फिजिक्स वाले पे नहीं आ रहा हूं, ध्यान रखना। तो आई एम जस्ट टेकिंग अकॉर्डिंग टू द सेम साइन कन्वेंशन एज वेल। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो। इफ यू रिमेंबर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मेरे ख्याल से याद होगा। और हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी देखे थे, याद है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी देखे थे। लेकिन हम जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तकलीफ देते हैं सर, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे आ जाता है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे आ जाता है सर। क्लॉकवाइज लूप है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान से एक फंडा बताऊंगा, सब सही होगा, ठीक है। तो और क्वेश्चंस भी करेंगे आज ही के लेक्चर में, उसके क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें वो चीज एक फिजिबल हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, ठीक है। टाइम की वैसे ही शॉर्टेज है भाई, ठीक है। तो खैर, मैं आपको वापस लेके आता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था हमारा, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, ये मेरा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक था, राइट। अच्छा सर, अब एक चीज और है, एक चीज और है, ध्यान से देखना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, और मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या था? वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? वो हमारा नेगेटिव होता था। और वर्क डन साइन कन्वेंशन के हिसाब से वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है, ऑन द सिस्टम वो क्या है सर जी? वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना केमिस्ट्री में, प्लीज ध्यान रखना केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में आपका साइन कन्वेंशन अलग हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, गॉट इट। तो अब सर, अगर मैं एरिया निकालना है तो मुझे वो क्या देगा? मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम है, और मेरा ये मेरा ग्राफ दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, ये जो भी वैल्यू है, लेट अस अज्यूम, अगर ये मेरा जो प्रेशर की वैल्यू है, लेट अस अज्यूम यू कैन से इन पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैं ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ, और वॉल्यूम अभी के लिए मैं मीटर क्यूब में ही ले लेता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग इट इन अ, ठीक है, सिंपल वे मैं ऐसा यूनिट में लेके चल रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, मान लो ये आपका 2 है, मान लो ये आपका 5 है, मान लो ये आपका 1 है, मान लो ये आपका कितना है 3 है, ठीक है। तो अब क्या करूँ सर, व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ? तो वर्क डन कैसे निकालूं अगर मुझे ग्राफ दे रखा है एंड माय ग्राफ इज गोइंग दिस? सबसे इजीएस्ट सवाल है, लोग देखते हैं फटाफट आंसर कर देते हैं कि सर पीवी ग्राफ है। तो ध्यान रखना, आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो टू गेट द वर्क डन, एज सिंपल एज दैट। अब आपको दिख रहा होगा सर ये है क्या, ट्रेपीजियम है, दिख रहा है ट्रेपीजियम है ना, और वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो साइन आएगा लास्ट में आके क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको जो एरिया निकाल के दोगे वो तो मैग्नीट्यूड में आएगा। बाद में आके आप, क्योंकि सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन पुट कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है सभी को या नहीं, थोड़ी बहुत मैथ्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, ओके, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर हम बात करें सर, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, मैं भी सिर्फ डाटा वैल्यू लेके चल रहा हूं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने आए कि क्वेश्चन लगाना कैसे है। सर ये 2 है, ये 5 है, तो 2 प्लस 5 इंटू हाइट, सर ये हाइट कितनी है, 3 माइनस 1 सर 2, तो हाफ इंटू 7 इंटू 2
सर जी आ गया 7, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। क्या आंसर 7 है? नहीं सर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपको भी दिख रहा है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपको पता है एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव, तो आंसर विल बी -7 जूल्स। ठीक है, सब लोग ऐसा यूनिट में है तो हम वर्क डन भी ऐसा यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, शायद मैंने एक चीज लास्ट टाइम भी बता दी थी, अगर आपका आंसर लीटर एटमोसफेयर में होता है तो आपको 101.3 से मल्टीप्लाई करने का जो भी आपका आंसर आता है वर्क डन का, क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है -PdV इन जनरल, है ना। तो प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम अगर आपका लीटर में है, तो एंड में आके आपको अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है क्लास, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 101.3। और अगर आपका आंसर बार और लीटर में है, बार लीटर में है, तो कुछ नहीं करना, पुलिस का नंबर डायल करने का, और उसको बोलते हैं 100 टू कन्वर्ट इनटू जूल्स। ठीक है, जो भी है बहुत इजी वे है, याद रख पाओगे, जैसे आपका आंसर उसमें दिखेगा तो 101.3 या फिर पुलिस का नंबर डायल करने का, अगर बार लीटर में है तो आंसर सही है भाई, क्लियर है राइट। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं क्विकली, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना है, 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं और वैरायटी के आपके सामने भी क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे हम ऑपरेट करना है। ठीक है, आओ नाउ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सर मैंने क्या किया सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, मैंने इस बार वॉल्यूम को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, यूनिट कर दी मीटर क्यूब, प्रेशर में पास्कल दे रखा है, मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये लो ये मेरा ग्राफ दे रखा है। ठीक है राइट, ताकि तुम्हें समझ में आए बाबू कि कैसे आपको ये ऑपरेट करने हैं। लेकिन ध्यान से देने वाली बात ये है कि, और ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 10 है। ठीक है गुरु जी, सही है, ए से बी तक है, ए से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब क्या करूं सर, क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है पीडीवी होता है ना, पीडीवी होता है, डीवी चेंज इन द वॉल्यूम, प्रेशर को मैं कांस्टेंट लेके चलता हूं, तो यहां पे भी सर वॉल्यूम अगर वाई एक्सिस पे चला जाता है तो अगेन वी विल कैलकुलेट दिस ओनली, ये वाला जो पार्ट है पीडीवी, सही है। क्या करूंगा सर, पीडीवी राइट। अच्छा सर, तो यानी कि जो एरिया निकालना होगा मुझे सर, इसके अंदर का एरिया निकालना है अगर मेरा वॉल्यूम वाई एक्सिस पे चला जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत घबरा गए हो एंड ऑल, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, वी नीड नॉट डू नथिंग। तो यहां से आप करोगे, अगेन ट्रेपेज़ियम ही दिख रहा है, हाफ सम, और वॉल्यूम दोबारा से देख रहे हो बढ़ रहा है, हमेशा ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 12 हुआ, ए से बी तक जा रहा है, एरो भी दे रखा है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखने का सर, 3 से 12 जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सर एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा सर, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स ये हैं, ये कितना है सर 2, ये कितना है 10, तो 2 + 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है सर 12 - 3, कितना है भाई साहब 12 - 3 9, तो हाफ ये कितना हो गया 12, ये हो गया 9, 2 6 6 9 54, क्या आंसर 54 जूल है? नहीं सर, -54 जूल है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सही है, क्लियर है, इजी इजी दो दो सेकंड के क्वेश्चन हैं, आओ आगे देखते हैं, दोनों के एक और क्वेश्चन देता हूं, क्लियर है ये, आ जाओ ताकि क्लास आपको समझ में आए कि कैसे ऑपरेट करना है। आओ थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारा ये ग्राफ दे रखा है और ये लो सर, अब थोड़ा सा नौटंकी कर लेते हैं और ये दे लेते हैं, ये मेरा 12 है, ये जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में है सर, किसमें है किलो पास्कल में है ना, और ये लो ये मेरा किलो पास्कल में है सर जी, और ये हो गया, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है ये 10 है, ये 20 है, और वॉल्यूम बाय चांस इसमें इस बार किसमें दे रखा है लीटर में दे रखा है, ठीक है, और ये 12 है और ये भी दे रखा भाई, मैं क्यों मना करूं, ये 17 है, सही है, और ये किलो पास्कल में है, ठीक है। अब मुझे अगेन निकालना है, क्या निकालना है इसका सर, वर्क डन ही निकालना है और कुछ नहीं करना, अब क्या करूं, हाउ शुड आई डू, पहली चीज क्या करो, ये किलो पास्कल में है, इसको तो पास्कल में कन्वर्ट करना, जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे राइट, और इस लीटर में, लीटर को किस में चेंज कर दोगे, मीटर क्यूब में चेंज कर देना, तो पहले से निकाल के रख लेते हैं, अगर आपको लीटर में याद नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करके चलना है क्लास,
ठीक है, आंसर के मुताबिक है, वैसे ऑप्शन के मुताबिक होता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना किसके मुताबिक चलना होगा, आंसर के मुताबिक। बट मैक्सिमम केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड चेंज इनटू द एसआई यूनिट्स, दैट विल बी बेटर। तो वॉल्यूम के एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, है ना। तो अब सर कन्वर्ट नहीं करना आता, सर 10^3 था, 10^-3 था, 10^6 था, याद नहीं रहता, सर बेसिक्स पे चले जाओ, कोई समस्या नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। लो सर, अब 1 लीटर में कितने होते हैं सर, 1000 ml होते हैं, है ना। ml का मतलब सर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, आपको भी पता है बात, 1 लीटर में 1000 cm³, है ना। अब सर हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10^-2 m होते हैं, तो 1 cm³ में कितना हो जाएगा सर, 10^-6 m³ हो जाएगा, और 1000 cm³ है सर, 1 लीटर का मतलब वही है ना, तो 10^3 यानी कि 10^-3 m³ हो गया, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3 m³ हो गया। लो सर, कभी भी समस्याएं कुछ नहीं होती अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा तो ऑन द स्पॉट निकाला करो, घबराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा सर, अब सर क्या करूं, एरिया अंडर द ग्राफ ही निकालना है, अगेन वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और ये सेमी सर्कल है दिख रहा है, और यहाँ पे रेडियस आपका 5 है, और ये क्या है आपका 20-10, ये भी सर 5 ही है, तो मेरे ख्याल से ये भी 5 है, ये भी 5 है, सेमी सर्कल आप ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर उसका आधा, तो और ये रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि एरिया तो पूरे का लोगे ना, और ये रेक्टेंगल हो गया, तो वर्क डन विल बी द सम ऑफ ऑल दीज टू, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये तो आसान सवाल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है सर 10, है ना 10, लेकिन ध्यान रखना 10^(10^-3), 10^(10^-3), ध्यान रखना लीटर क्यूब में मैंने मीटर उसमें चेंज किया है, ओके। और ब्रेथ कितनी है सर 12 और इंटू 10^3, 5 से कट ही गए, तो ये कितना हो गया, तो ये तो हो गया 120, अलग कर दो। अब सर जी ये है ना, ये कितना है आपका 5, ये कितना है आपका, उन्होंने 5 ही दे रखा है ना, हाँ सर। तो अब एक काम करते हैं, बेस्ट तरीका है, रुक जाओ अभी, तो ये बाद में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी तुम्हें ना इसको भारी रखो, इट विल बी बेटर, ताकि तुम गलत ना करो, एक काम करो क्लास, ठीक है, ये ऐसे करो और इसको किलो पास्कल लीटर में कर दो, तो ये अब ऐसा बन गया, अब आपकी टेंशन ही नहीं, किलो पास्कल को पास्कल में और लीटर को 10^-3, आपकी टेंशन खत्म। पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, 5^2 = 25/2 + 120, राइट। अब वॉल्यूम अगेन बढ़ रहा है, तो वैल्यू डालो, आंसर आएगा कितना आ रहा है सर, पाई 25π/2, ये टोटल मिला के गुरुजी आपका आंसर 159.25 जूल्स, ये मेरा भाई साहब वर्क डन आ गया, ठीक है। और डेफिनेटली सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आई विल पुट माइनस, क्लियर फंडा। तो क्वेश्चन को देख के अभी भी ऐसे ना थोड़ी समझदारी दिखा दो, क्या करो, पहले आपने अगर उसको निकालते फिर इसको भी निकालते, किलो पास्कल लीटर, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं कि सर क्या करूं क्या ना करूं, यहाँ 5 इतना वो है, रेडियस क्या हो सकता है। तो पहले टर्म लिख लो, फाइनल यूनिट लिखो, उसके बाद यूनिट को कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है, एंड फाइनली जूल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है क्लास, साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है साइक्लिक, तो साइक्लिक में आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वापस उसी स्टेट में वापस आ जाएगा, देखो यानी कि ये यहां से यहां गया और ये वापस अपनी उसी स्टेट पे वापस आ गया, कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो गया, यहां से यहां गया, ये ए है ये बी है, वो यहां से यहां तक गया और वापस अपनी उसी स्टेट पे वो वापस आ गया, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस में सर अगर वापस आ गया तो डेल्टा यू मस्ट बी जीरो, क्योंकि डेल्टा यू आपने बताया तो सर स्टेट फंक्शन होता है, बताया था ना सर स्टेट फंक्शन होता है, डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो वो वापस गया और वापस आ गया, है ना। तो जब अगर वो यहां से गया और वापस आ गया तो डेल्टा यू तो सर डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, या नहीं, डेल्टा यू हमेशा डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द स्टेट या स्टेट फंक्शन होता है, तो डेल्टा यू तो सर जीरो हो गया, और डेल्टा यू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, जैसे कि ऊपर लिखा है,
तो q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो q इज इक्वल टू कितना है, माइनस डब्ल्यू, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ क्लास, कुछ ऐसे साइन कन्वेंशन, एक ऐसा रूल कि अगर आपका मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है, अगर आपके क्या है मल्टीपल लूप्स हैं एक साइक्लिक प्रोसेस में, क्वेश्चन भी करेंगे उसका हम, अगर आपके मल्टीपल लूप्स हैं, एक से ज्यादा लूप्स हैं, तो दोनों लूप को कंसिडर करते हुए कि वो लूप कैसे हैं, एक सबका एल्जेब्रिक सम लेना होता है। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वर्क डन एंड इफ देयर इज अ मल्टीपल लूप इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन टेक द एल्जेब्रिक सम ऑफ इट एंड फाइनली यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं, रुको। देखो सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं क्विकली, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है सर, अगर वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस पे है, तो ध्यान रखना एंटी क्लॉक वाइज लूप गिव्स पॉजिटिव वर्क। ध्यान रखना ये बात, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और क्लॉकवाइज लूप गिव्स नेगेटिव वर्क। वैसे बात समझ में आ गई होगी, नेगेटिव वर्क मतलब ये एक्सपेंशन का केस हो गया, ठीक है, और ये कंप्रेशन का केस हो गया। क्लास मेरी वाली वीडियो जरूर देख लेना जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि वो एडियाबेटिक वाला कर्व नीचे होता है एक्सटेंशन के केस में, और कंप्रेशन केस में ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है, वो रीजन जानना तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज वॉच दैट वीडियो कंपल्सरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीवी कर्व के नाम से वो वीडियो है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है। इट विल मेक यू अंडरस्टैंड अ गुड एस्पेक्ट ऑफ पीवी कर्व, ठीक है, कैसे वो ऊपर आता है, कैसे वो नीचे आता है, क्यों आता है, सबसे बड़ी बात। तो एंटी क्लॉकवाइज जो लूप है, इट विल गिव यू पॉजिटिव वर्क, यानी कि पॉजिटिव वर्क मतलब कंप्रेशन होगा। ध्यान रखना अगर वॉल्यूम इज ऑन एक्स एक्सिस, बट इफ वॉल्यूम इज ऑन वाई एक्सिस, द थिंग्स विल चेंज एंड विल बिकम चेंज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लूप गिव्स नेगेटिव वर्क, अपोजिट हो जाएगा, एंड क्लॉकवाइज लूप गिव्स पॉजिटिव वर्क। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। अगेन केमिस्ट्री के लिए है ये, केमिस्ट्री के लिए है ये कन्वेंशंस, फिजिक्स के लिए जस्ट उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली फिजिक्स में आते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्राफिकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में नहीं पूछ सकते, नीट में भी पूछा गया है लास्ट ईयर, जे में भी पूछा जाता है आसानी से, बहुत टेंशन नहीं होती, केमिस्ट्री में आराम से आ सकते हैं, तो वी शुड नो अबाउट इट एज वेल, ठीक है। तो डोंट कहते ना अंडर एस्टिमेट कि जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनके क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करना, राइट। चलिए देखिए, समझ में आया ये, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लूप है गिव पॉजिटिव वर्क, अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, अगर वॉल्यूम आपका वाई एक्सिस पे है, तो आपकी द थिंग्स विल चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन ही करके देखता हूं डायरेक्टली, ताकि तुम्हें समझा पाऊं, तुम्हें दिखा भी पाऊं कि कैसे वो क्वेश्चन आप लगाते हो। पहला, ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग केसेस, ऑल्सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो आप अगर नोटिस करो सर, ये कौन सा लूप है, क्लॉकवाइज लूप है ना, क्लॉकवाइज है, वॉल्यूम कौन से पे है, एक्स एक्सिस पे है, सर वर्क डन क्या होगा, अभी अभी देखा था नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लूप निकाल दो खुशी खुशी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
बेस कितना है 9 माइनस 3 6, हाइट कितनी है 8 माइनस 2 6, 2 3 6 3 6 18 यानी कि आपका नेगेटिव वर्क आएगा और क्योंकि क्लॉकवाइज लूप है तो 18 माइनस 18 जूल्स एक सेकेंड में आंसर। ठीक है इतने में तो क्वेश्चन टाइप किया उससे पहले आंसर आ जाएगा ठीक है नाउ लेकिन ध्यान रखना अगेन क्लास ये किलो पास्कल में है तो जल्दबाजी नहीं हमेशा ध्यान रखना तो पास्कल में चेंज करने के लिए आपको और ये मीटर क्यूब में है 18 × 10^3 जूल्स। ठीक है नाउ नेक्स्ट आ जाओ नेगेटिव में ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ क्लास बड़े सिंपल क्वेश्चन है टफ नहीं है लो एक और क्वेश्चन इसी तरीके का दे रहा हूँ राइट अब की बार क्या बोलना चाह रहे हो मोदी सरकार बिल्कुल पक्के से लेकिन उससे पहले जेई हम निकालेंगे नीट हम फोड़ेंगे ठीक है अच्छे से फोड़ेंगे दोनों वॉल्यूम है ये लीटर है और ये 6 है तो सर जी ये है ए ये है बी ये है सी ये है डी ठीक है और ये 4 है और ये 14 है और ये प्रेशर को मेगा पास्कल है ठीक है और वॉल्यूम है लीटर्स में राइट तो अगेन वॉल्यूम इस बार सर वाई एक्सिस पे है और क्लॉकवाइज है तो की बार क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज है उसके उल्टा हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा ठीक है अब की बार नेगेटिव था पॉजिटिव आ जाएगा तो वर्क डन क्योंकि वॉल्यूम आपकी किस पे है सर वाई एक्सिस पे है वॉल्यूम किस पे है आपका वाई एक्सिस पे है और वॉल्यूम अगर वाई एक्सिस पे होता है तो वर्क डन अभी अभी हमने देखा कि क्लॉक अगर लूप लूप आपका क्या है क्लॉकवाइज है सबसे सिंपल फंडा अगर क्लॉकवाइज है तो क्या आप लोगे क्या लोगे अगर क्लॉकवाइज है तो लूप क्या लोगे क्लास अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव बिल्कुल सही पॉजिटिव तो सर लेंथ इनटू ब्रेथ 14 × −10 यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल टू 10 × 10 × और ये कितना है 16 − 6 यानी कि ये भी आपका 10 और ये कितना आएगा सर मेगा पास्कल इंटू लीटर्स अब अगेन मुझे ऐसा यूनिट में चेंज करना है तो 10 × 10 = 100 मेगा पास्कल है तो 10^6 पास्कल 1 लीटर में 10^3 मीटर क्यूब तो सर कितना आ गया 10^2 यानी कि 8 − 3 = 5 बिल्कुल गलत ना कर देना जाने अनजाने में ठीक है आंसर कितना आ गया 10^5 कितना आ गया क्लास 10^5 जूल्स एज सिंपल एज दैट ठीक है क्लास श्योर आगे बढ़ाते हैं क्विकली अब आ जाओ डी पार्ट इसका एक और जो आपको मल्टीपल लूप्स वाला जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी क्लास टफ नहीं होती चीजें ध्यान रखना ये बात कभी भी तो ये लो और ऐसे ऐसे चीजें हैं ना तो आपके आपको जो थर्मो है वो तो क्लासिकल हो जाएंगी जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है ये हो गया ये हो गया गुरुजी और ये हो गया ये प्रेशर सर पास्कल में है और ये गुरुजी 4 और ये हो गया भाई 1 ये हो गया भाई 10 ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया है ना और ये दे रखा है पॉइंट बी ये पॉइंट दे रखा है सी ठीक है राइट और ये क्लियर तो अब इसका वो मांग रहे हैं बेचारे और ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब तो क्लास अगर आप देखोगे इसमें दो लूप्स आ रहे हैं अगर नोटिस करोगे अरे ध्यान दे लो भाई अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो ये मेरा इसमें नाम भी नामकरण भी कर दो ए डी ए बी सी डी है ना ए से बी गया बी से सी गया और सी से डी गया देखा जाए लेकिन ये अगर मैं सेंटर की बात बोलूं इस पॉइंट पर ऊपर वाला देख रहे हो ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो सर क्या आएगा पॉजिटिव ओके और नीचे वाला है क्लॉकवाइज यानी कि दोनों को ऐड कर दूं ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा ठीक है सर और ये बीच का पॉइंट है तो ये क्या है ट्रायंगल है मेरे ख्याल से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है मेरे आपको अगर नोटिस करोगे जो हाइट आएगा हाइट आएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्लास इसका आंसर मुझे लग रहा है वर्क डन का 0 आने वाला है
क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 से 14 के बीच में कितना है डिफरेंस, 10 का, तो ये भी 5, ये भी 5, 10 से इसके बीच में कितना डिफरेंस है 9 का, राइट। तो अब ये ऊपर जितना है यानी कि हाइट आपकी सेम हो गई ना, 5 5, तो ऊपर वाला ले लेते हैं लूप, इसको ओ पॉइंट मान लो, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप COB, COB, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है सर 10 - 1 9 इंटू हाइट, हाइट कितनी है सर ये आपका बीच का पॉइंट हो गया 10, 10 में से आपका ये आपका 5, ठीक है, इट विल बी 5, ओके। एंड ये आपका पॉजिटिव आएगा सर क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज है, सिंस इट इज एंटी, तो कितना आ गया 9/2 5 9 45 45/2 यानी कि 22.5 जूल्स पॉजिटिव में। सिमिलरली ये वर्क डन 1 है, वर्क डन 2, एरिया ऑफ द लूप AOD, एरिया ऑफ लूप AOD, तो सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन इट विल कमिंग आउट 22.5, बट इस केस में वो नेगेटिव आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, क्या है ये क्लॉकवाइज है और ये किस में है एंटी है, तो टोटल जो वर्क डन आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 + W2, तो इट विल बी 0। आई होप यू अंडरस्टूड, बात समझ में आई है। तो सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सारे मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना एरिया हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में निकलेगा, प्लीज प्रेशर और टेम्परेचर या वॉल्यूम या टेम्परेचर के बीच में अगर आप एरिया निकालते हो तो वर्क डन नहीं निकलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, एरिया सिर्फ और सिर्फ पीवी के कर्व के बीच में ही होगा, प्रेशर और टेम्परेचर या टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी हो नहीं, ठीक है, गॉट इट, श्योर है। तो क्लास मैं आप यहीं पर ही रोकता हूँ तुम्हें, क्योंकि काफी क्वेश्चन तुमने अब देख लिए हैं इस टाइप के सारे मेरे ख्याल से, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम इस टाइप के तुमने नोटिस कर लिए कि भाई अगर मल्टीपल लूप्स हैं, देखो 2 लूप्स हैं, मैंने अलजेब्रिक सम किया है, अलजेब्रिक सम बोले तो पहले वाला और दूसरे वाले का एडिशन किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइंस, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला एंटी में पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, बहुत अच्छा संडे है जिससे आप वर्क डन निकाल सकते हो इन केमिस्ट्री, ठीक है, एज वेल एज इन फिजिक्स, साइन अपोजिट हो जाते हैं बस, ठीक है, आपके जो कंडीशन हमने बनाई है अपोजिट हो जाता है, क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस जो करूंगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन डिस्कस करूंगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, और फिर हम कूद जाएंगे एंथैल्पी पे, ठीक है, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, रिलेटेड टू द वो मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, KDG का जो पार्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो पार्ट है, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसमें मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर आपके लिए कर दूंगा, बट मेजरली वी विल कवर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट इन KDG चैप्टर ऑफ फिजिक्स, क्लियर, ताकि वहां से आपको चीजें क्लियर हों और उसके काफी क्वेश्चन आते भी हों, क्लियर। चलो खैर अभी के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए बोर्ड्स की भी और कॉम्पिटिशन की भी, क्योंकि आपको JEE मेंस के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, ना ही आपको CET के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। तो क्लास साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी जो चीजें कर रहे हो उसको कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट से भी देखो, सिर्फ वही वाले चैप्टर्स कॉम्पिटिशन है, थर्मो है और तुम्हारे स्टेट बोर्ड में भी है, राइट, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो तुम्हारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है थर्मो, तो थर्मो के क्वेश्चन सारे लगाओ ना, क्या टेंशन है, लगाओ सारे के सारे क्वेश्चन, इस बहाने आपकी वो भी तैयारी हो जाएगी, राइट। 11th वालों के लिए थर्मो मजबूत बनाओ, आयनिक है, सिमिलरली आयनिक है, राइट, धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे सबके लिए वीडियोस में हर एक चैप्टर की डालता रहूंगा, जो भी तकलीफ है कोई भी दिक्कत से टू मी इजली, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।